Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point, Zid Se Jeet Tak. Hi everyone, बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है that is purely a geography topic. हालांकि करंट में हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये करंट की किसी न्यूज के साथ में जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हाईलाइट हुआ है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिवर विच इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल, राइट. एक बारी मुझे कमेंट्स के अंदर आप लिख के बताइए कि सॉरो ऑफ बिहार नाम की एक रिवर है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है. सॉरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है? सॉरो ऑफ बंगाल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड द दामोदर रिवर, राइट. सो रिवर दामोदर के ऊपर आज का जो हमारा टॉपिक है, करंट के अंदर इसका सवाल आएगा यूपीएससी के अंदर, राइट तो वो दामोदर रिवर के अराउंड अगर जो भी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अराउंड ही जो आपका सवाल है वो भी रिवॉल्व करेगा. प्री रेलिवेंट टॉपिक है ये, मेंस के अंदर इसकी आपको कोई भी रेलिवेंस जो है नहीं है, राइट क्योंकि डायरेक्टली वो रिवर के ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे. इन जनरल अगर मेंस के ऊपर सवाल है वो आ सकता है, विच इज कि रिवर कंजर्वेशन की टेक्निक्स क्या हैं, कैसे होता है, इंडिया क्या कर रहा है उस चीज के लिए, है ना, उस टाइप के सवाल मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं. दैट इज आल्सो कि जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा आंसर, राइट. नॉट दैट कि फोरफ्रंट सामने पड़ा हुआ सवाल एज इट इज उसका आंसर नहीं होगा, बट यूजिंग दीज फैक्ट्स जो आज हम देखने वाले हैं आपको ये आंसर जो है मेंस के अंदर डिवाइस जो है उसका कर सकते हो. फॉर नाउ लेट अस सी कि जो हमारी सॉरो ऑफ बंगाल रिवर है ये न्यूज में आई है. न्यूज का कॉन्टेक्स्ट बच्चे यही है इसमें सिंपल सा कि एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी गई थी बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ धनबाद, जिन्होंने वो बताया कि क्या स्टेप्स जो है वो रिवर दामोदर की कंजर्वेशन के लिए लिए जा रहे हैं. एक रेनफेड रिवर है ये रिवर दामोदर, दिस इज अ पिक्चर, राइट. थोड़ा सा ट्रिविया मैं आपको बता देता हूं पहले कि झारखंड के अंदर जो है ये रिवर फ्लो करती है एंड झारखंड का जो नाम है दैट इज लिटरली द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, राइट इसके अलावा जो बॉर्डर है झारखंड का दैट इज बिहार नॉर्थ के अंदर, आपका उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, उसके वेस्ट साइड पे ओडिशा, आपके साउथ साइड पे एंड आपका वेस्ट बंगाल आपके ईस्ट साइड के ऊपर. हालांकि ये वाली जो चीज है आप अगर आपका मैप वर्क स्ट्रांग है तो आपको ये चीजें ऑलरेडी जो है पता होंगी. आई एम टेलिंग यू जस्ट इन केस की अगर किसी को नहीं पता, प्लस अगर भूल जाता है वहां पे, सो दीज आर दी स्टेट्स जो कि झारखंड के बॉर्डर के ऊपर हैं, राइट. आइए बच्चे आगे चलते हैं. सो दामोदर रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा. दामोदर रिवर इट इज अ रेन फेड रिवर बच्चे दैट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है. Hence the name sorrow of Bengal. It is also known as sorrow of Bengal due to the devastating floods it causes in the plains of West Bengal, right बच्चे. कहां से ओरिजिनेट करती है बच्चे, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है. खामरपात हिल जो कि है आपके छोटानागपुर प्लेटो के ऊपर, कहां पे, पालामऊ डिस्ट्रिक्ट में. मैं हो सकता है नाम ये मैं गलत ले रहा हूं बच्चे, पालामऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है. ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट. फ्लोज ईस्टवर्ड, ये तो खैर आप डिराइव भी कर सकते हो, इतना पता लग जाएगा आपको, थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड एंड बंगाल बिफोर ज्वाइनिंग दी हुगली रिवर. ये अलग अलग स्पेलिंग के हिसाब से आपको ये रिवर जो है वो दिखती है, कई बार HOOGLY ये दिया होता है. इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट, अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा नियर द सिटी ऑफ कोलकाता, राइट. इसके अलावा जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बच्चे चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वन, द रिवर दामोदर इज फेड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग बाराकर, कोनार, भोकारो. ये देखिए बच्चे ये सारे नाम ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हाहारो, जमुनिया, घड़ी, ग्वाया, खड़िया और भेरा, राइट ये सारी रिवर्स हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप या तो इसका कोई निमोनिक बना लीजिए या जैसे भी है, क्योंकि ये अगर न्यूज में आया है तो इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी कैसे सवाल पूछ सकता है इसके ऊपर, इनमें से कोई भी 2-3 नाम उठाएगा वो और बोलेगा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, राइट. और वो ऐसी 3 कुछ गलत ऑप्शन डाल के एक उसमें दामोदर डाल देगा, दैट विल बी योर राइट आंसर. यूपीएससी इस तरीके से इसको पूछेगा. दामोदर रिवर की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी इज बाराकर, राइट। तो ये आपके लिए बच्चे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और दामोदर रिवर की भी सेम ही प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी जगह पे आपकी रिवर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट सेम थिंग। प्लस आपको ये भी पता है कि हैवी इंडस्ट्रीज इस रिवर के अराउंड बहुत सारी हैं, हैंस इस रिवर का पोल्यूटेड होना इसको इट इज समवॉट नेचुरल, है ना, कि होगा ही होगा। नेचुरल नॉट एज इन की नेचर वाला नेचुरल, बट लॉजिकल कि यहाँ पे अगर हैवी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, तो उससे पोल्यूशन आता ही है। एंड हैंस आपकी जो ये वाली पर्टिकुलर रिवर है ना, ये आपका अर्बन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के साथ में ये आपकी पोल्यूटेड है। क्या होता है इससे? इट रिजल्ट्स इन एलिवेटेड बीओडीज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, फीकल कॉलिफॉर्म, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन। ये आपको आप साहब अपने टर्म्स जो हैं वो उसमें आपके इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर जब आप पोल्यूटेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे ये वाली टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, हैंस यहाँ पे ये मेंशन कर रखी हैं, राइट बच्चे। दिस इज द मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर बेसिन। इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो दामोदर रिवर है एटलीस्ट इसके ऊपर आपके जितने भी डैम्स और रेजर्वॉयर हैं, राइट, विच इज दिस तेनुघाट, पांचेत, है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सीधा पूछ सकते हैं कि जो पांचेत रेजर्वॉयर है या तेनुघाट रेजर्वॉयर है ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, राइट। एंड हैंस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट, और आप इसको याद कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा बच्चे दीज आर दी अदर मेजर रिवर्स ऑफ झारखंड विच इज सुबर्णरेखा, जिसको हम रिवर ऑफ गोल्ड कहते हैं। दामोदर रिवर को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। कोयल रिवर named after the bird koyal which is also the state bird of Jharkhand. Koyal is the state bird of Jharkhand, right? इसकी कहां से ओरिजिनेट करता है, किधर ये फॉल करती है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द सोन रिवर विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन झारखंड, राइट, जो कि 784 किलोमीटर इन लेंथ है। और अमरकंटक प्लेटू, ये आपने एनसीईआरटी के अंदर भी जो है वो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-minute टू द पॉइंट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यू IAS करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.